लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू को सम्मानित किया गया और मुस्लिम भाईचारे ने रवनीत बिट्टू के लिए चुनाव प्रचार भी किया। सबसे पहले तो जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है NCP की, जो पंजाब इकाई है उनकी, डॉक्टर मुश्ताक साहब, डॉक्टर मुश्ताक मेरे साथ हैं, बुलाए उन्हें एक बार। डॉक्टर मुश्ताक ने पूरी पंजाब जो माइनॉरिटी के वो चेयरमैन थे, उन्होंने पूरे पंजाब के साथ आज जो माइनॉरिटी कांग्रेस ज्वाइन करी हमारे साथ, और सारी इकाइयाँ उन्होंने आज वो मतलब लेकर आए। मैं समझता हूँ कि सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जितने मर्जी पिछली बार चुनाव जीते थे उससे इस बार डबल मार्जिन होने जा रहा है और समूचे पंजाब के अंदर हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। आज यकीन दिला दिया अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने कि 19 मई वाकई भाजपा गई। आज हमारे बीच हमारे पंजाब अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी नफीस मलिक साहब हमारे इस अल्पसंख्यक विभाग के प्रोग्राम में मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे और हमारे जो कैंडिडेट रवनीत सिंह बिट्टू जी के हक में इन्होंने प्रचार किया और घर घर जा कर के इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि घर घर जा कर के आप बिट्टू के हक में और कांग्रेस के हक में वोट मांगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ समूची कांग्रेस टीम को कि ये अल्पसंख्यक विभाग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता 19 मई को वाकई कांग्रेस को जिता करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।